दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हैं कि हम आज तारापीठ जाने वाले। गौर करिएगा, तारापीठ नहीं, मिनी तारापीठ। घर से मैं निकल चुकी हूँ, रास्ते में हूँ, बस स्टैंड की ओर जा रही हूँ बस पकड़ने के लिए। बस में चढ़ के मैं आपसे बात करती हूँ। सफर में निकलने से पहले मंजिल का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस बार के सफर के लिए हमें मंजिल का पता है ही नहीं। अब हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है और मैं इससे पहले कभी भी नहीं गई हूँ। मंदिर का निर्माण बहुत ही रिसेंटली हुआ है और बहुत ही रिसेंटली ये चर्चे में आया है, तो मैंने सोचा कि यस एक बार तो जरूर जाना चाहिए। लेकिन हमको जो एग्जैक्टली किधर किधर से जाना है वो हमको नहीं पता। कोई बात नहीं, आसपास के लोगों से पूछ के हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सफर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में जाते जाते तो बात हो ही जाएगी। छोड़ के ही हैंड्स को सैनिटाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सैनिटाइज मैंने कर लिया है हैंड। आप भी कहीं पे भी जा रहे हो तो सैनिटाइजर अपने साथ जरूर कैरी करें। जाना चाहते हो तो मैं आपको डायरेक्शन भी बता देती हूँ। खुकुड़दा, खुकुड़दा में आप बस से आ रहे हो, ट्रेन से, पासकुड़ा से आ रहे हो, खुकुड़दा का मेन जो ब्रिज है उधर आप खड़े हो जाए, उधर आप आ जाए। यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कलर का साइन बोर्ड दिखने को मिलेगा, इधर एरो बना है ऐसे ऐसे, ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। तो वो एरो जिस साइड पे है उस साइड वो वाला जो रास्ता है वो रास्ता बहुत ही सुंदर रास्ता है, उस रास्ते में मत जाइएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन वाला रास्ता में जाइएगा जो थोड़ा सा खराब है। वहाँ से आपको 3-4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। आप टोटो भी कर सकते हो, आप अपना प्राइवेट बाइक ला सकते हो। कार का मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगी क्योंकि रास्ता जो है आपको थोड़ा दूर में पार्किंग करवाना पड़ेगा और बहुत दिक्कत भी आ सकता है क्योंकि मंदिर जहाँ पे है वो रास्ता थोड़ा सा छोटा है, कच्चा है। सामने से अगर कोई गाड़ी आ गया तो दिक्कत हो सकता है। ऐसा नहीं आप ले नहीं जा सकते गाड़ी को, कार को ले जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मैंने आपको बता दिया। गाइस मंदिर बहुत ही सुंदर। ये पिछला हिस्सा है, पीछे की ओर से कुछ इस तरह का दिखता है। बहुत ही सुंदर इसका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो, बिल्कुल तारापीठ मंदिर की तरह। माँ शारदामयी, रामकृष्ण और विवेकानंद की छोटे छोटे मूर्तियां हैं इधर।
फंक्शन को तो है स्टेज का भाई रागे कि नहीं किसी मान दे दीजिए से जाए इनकार करते हैं दूसरे नहीं आ रहे अगर आप मेदिनीपुर पूर्व मेदिनीपुर पश्चिम मेदिनीपुर देवरा बागनान मतलब इधर के एरिया में कहीं पे भी रहते हो ना मैं एक बार जरूर रेकमेंड करूंगी आप एक बार जरूर विजिट करें। बहुत ही सुंदर मंदिर है मतलब दिल को ना एकदम सुकून सा मिलता है इतना सुंदर मंदिर है। गाइस मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है इस मंदिर को लेकर, ये मंदिर जहाँ पे सिचुएटेड है उस एरिया में शायद अगर ये मंदिर ना होता तो हम लोग कभी जाने का सोचते भी नहीं। भर भर के लोग आए हैं इस मंदिर में। पहले दिन जिस दिन इस मंदिर को ओपन किया गया था फर्स्ट डे, उस दिन 25,000 लोगों को खिलाया गया था। जैसे कि मैंने बताया ये मंदिर जहाँ पे है उधर कोई शायद जाने का सोचता भी नहीं, लेकिन अभी भर भर के लोग जा रहे हैं, उधर छोटे मोटे दुकान भी बैठ रहे हैं, इसी वजह से शायद उधर डेवलपमेंट आए, उधर दुकानें हो, सड़क जो है वो भी अभी कच्चा है, वो भी शायद पक्का हो जाएगा कुछ ही सालों में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, बहुत ही दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं। आए भी क्यों ना, बहुत ही सुंदर मंदिर है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर है, माँ काली का मंदिर है। गाइस अभी जो है मंदिर वंदिर सब देख लिया हमने, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारे हाथ में बहुत सारा टाइम है, मतलब 1-2 घंटे अभी बाकी है, उसके बाद ट्यूशन के लिए जाएंगे, तो 1-2 घंटे के लिए हमने सोचा है कि खिराई जाएंगे। खिराई ना लोकल टूरिस्ट स्पॉट हो गया है, उधर फूलों का खेती होता है, फूलों का बहुत ही बड़े लेवल पे उधर फूलों का मतलब खेती होता है, इतना सुंदर है उधर, फोटोशूट वीडियोग्राफी बहुत कुछ होता है। जैसे कि आपको पता लग गया है हम अभी खिराई जाने वाले हैं, ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ फ्लावर्स। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, मतलब उधर जाने के बाद ना ऐसा लगता है वापस आए ही ना, अगर आप फ्लावर लवर हो ना आपको वहीं पे रहने का मन कर जाएगा, इतना अच्छा एक प्लेस है। वो सफर हम दूसरे वीडियो में तय करने वाले हैं, दूसरे वीडियो में जरूर मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ वाला घंटी भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप मेरे साथ सफर में जाने के लिए रेडी रहे। आपका मन है तो शेयर करिए, क्योंकि ये जो मंदिर है ये बिल्कुल रिसेंटली बना, ज्यादा किसी को नहीं पता है, तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी बताइए कितना सुंदर मंदिर बना। आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, हम जैसे गए थे हमने लोगों से पूछा था, उधर लोकल एरिया में आप किसी को भी पूछोगे सब आपको कोऑपरेट करेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ आगे के सफर में। नहीं नहीं वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, कुछ पिक्चर्स क्लिक की वो आप देख ली।